कि जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा, जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं जाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यो नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं, ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, ये बिच्छू ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी, शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है बेटा, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं, कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं, यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स, मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला, आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू, जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंध को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स, तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें, व्हाई डू यू वांट पब्लिक रिकॉग्निशन, व्हाट मैटर्स इज यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ नॉट मी, मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का, हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें, खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है, किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती है, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है, वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है, खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बदतहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है, मगर वो खौफ जो शक पैदा कर दे, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे, लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड रेवर से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर, आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फला दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फला मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान इंसान को नहीं दे सकता, दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। देयर आर 2 battles इनसाइड यू बेटा, 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर, एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था, एक तेरे अंदर वो पहाड़ वो आतिशबाज है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं तेरे अंदर जो तुझे लेक तो बना था वहां ऊपर जाने के लिए,
और दूसरा तेरे अंदर का आप है, इन नफ्सल अमारतुम बिसू के तहत वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा, अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रह, हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है। और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को, डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, दो कनाल, चार कनाल, एक एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है, सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है, अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता, तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है मेंट फॉर समथिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग मैन। लेट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स स्पीक्स एंड फाइट योर केस। लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीजगी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र, इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं हुई सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुजदिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश, काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे, काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे भी वो गुमनामियां नसीब करे जिसके बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा तेरा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियां नसीब करे पुत्र, जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे, और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, over the world is going to say about if I'm going to take my decisions, no it doesn't matter. teri jeet bhi teri bacche, teri haar bhi teri, tu tera ho gaya to gal khatam, log kya kehte hain kya farak padta hai, it doesn't matter. agar ye soch layega tabhi to tu qaumon ke rewad ko apni taraf mod sakta hai. teri awaaz mein wo dard, teri takreer mein wo sos, tere kaleje mein wo dhadkan tab paida hogi beta jab tu sachchai ko qabool karega apne saath. aur phir ye failure, ye shikast, it doesn't matter. be like a tree. When the world hits stones on you, give them back apples. लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों को। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है लोगों। बेटा इतने छोटे जर्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में, जलील हो जाएगा, लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे, दे के चला जाए। बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों, गुर्बत में, फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए तेरी, तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दे बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन बेटा। जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा। लोग नहीं होंगे तेरे साथ, अकेला होगा बच्चे तू, याद रखी, घबराई ना। बड़े 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 कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए, घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूँ घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के,
वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे। घबराई नहीं पुत्र, मैं तुझे कहता हूँ थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे, अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे भूलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा, और अल्लाह के अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा था, कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ, लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज। अल्लाह की दुनिया थी, वसखरा लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी जमीयन के तहत यही बनाया मैंने, ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी, अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का जर्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा, फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर वाह।